नीमच पशुपालन विभाग ने मध्य प्रदेश की मूल नस्ल की गायों मालवी, निमाड़ी और केनकथा के साथ भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए 1 से 15 फरवरी तक प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, जिसका समापन और पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार को शहर के पशु चिकित्सालय में हुआ। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला पशु चिकित्सा के चिकित्सक के शर्मा ने बताया कि प्रदेश की मूल गौ वंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना में अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को पहले पुरस्कार 51,000, दूसरा 21,000 और तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपए दिया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य देसी गाय के दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। ये मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत जो भारतीय नस्ल की जो देसी गायें हैं उनको संदर्भित करते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 दिवसीय हमने ये कार्यक्रम रखा था और दिनांक 13 से आज 15 तारीख को अभी पुरस्कार वितरण करके और हम लोग बैठे हैं। जो टोटल आवेदन जो आए थे गायों के तीनों विकासखंड से मिला के वो थे 91 आवेदन थे, 91 गायें थी, उनमें से यहाँ पे हमने 10 गायों का कंपटीशन रखा था, किन्हीं कारणों से 2 गाय यहाँ पे नहीं आ पाई। 8 गायों का कंपटीशन था, उनमें से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कैटेगरी की गाय का चयन यहाँ पे दुग्ध उत्पादन के हिसाब से किया है। जो प्रथम गाय है वो श्रीमती नीलू मुरारी दीवान नीमच की ग्वाल टोली की गाय है और इसका औसत उत्पादन जो प्रति दिवस है वो 23.127 केजी किलोग्राम में है। द्वितीय गाय जो है वो केसरपुरा से जावत क्षेत्र से श्री अंकित बेनीवाल, उनकी गाय है, वो भी गिर नस्ल की गाय थी और उसका उत्पादन 20.197 किलोग्राम प्रति दिवस था। जो तृतीय गाय जो है वो श्री मोहम्मद इमरान अब्दुल हाफिज़, ये स्कीम नंबर 9 की थी, ये भी नीमच की थी और ये भी राठी नस्ल की गाय थी और इसका प्रतिदिन उत्पादन 18.823 किलोग्राम प्रति दिवस था। मूल उद्देश्य तो ये है कि देशी गायों के प्रति समाज में जागरूकता और उसके महत्व को दर्शाना।